नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों मैं आया हूं अभी यहां पे अपनी एवेंजर पे, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों यहां पे हमारे दो आर्टिस्ट हैं, जो हमारे फेमस दो आर्टिस्ट यहां पे आयान और दीपू, दोनों को आप जानते हैं। ये वाली पेंटिंग आयान ने यहाँ पर कल श्याम को बनाई थी, और ये उन्होंने यहाँ पर परसों का इनका वर्क है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों गाड़ी का शोर शराबा भी काफ़ी होता है। तो दोस्तों सुबह सुबह यहाँ पे दीपू आज डर गया था कि भैया ऊपर देखो बाघ। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि दीपू ने कौन सा बाघ देखा। आप लोग देख सकते हैं इस बाघ को। दोस्तों एक बार मैं भी डर गया था कि ये बाघ असली में है, पर बाद में पता चला दोस्तों कि ये एकदम यहाँ पर गुड्डा है। तो आयन भाई, तो आप इसको अरविंद भाई, आप क्या बनाना चाह रहे हो इस पे? बेस ये छोलिया बन रहा है। छोलिया? हाँ। अच्छा, छोलिया के हाथ में सब ग्रीन है। अच्छा, और इसको वैसे आपका असली नाम क्या है? अरविंद है कि आयान है? मेरा डॉक्यूमेंट नाम में आयान है, वो अरविंद है, और जो मेरा प्रोफेशनल नाम है जो इंस्टाग्राम में यूज करता हूँ, आयान नाम है। आपका यूट्यूब चैनल है तो जरूर आप लोग उस पे भी बता सकते हो अपने। यूट्यूब चैनल है मेरा आयान आर्ट क्लासेस करके है, ज्यादा वीडियोस में डालता नहीं है, रेगुलर टाइम नहीं मिल पाता है उतना। तो दोस्तों आप लोग आयान का स्टाइल देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे आर्टिस्ट है हमारे साथ, ये है मानिला के अल्मोड़ा जिला के दीपू जी। हेलो दीपू। हेलो भाई। कछ रे, बढ़िया छू मैं, तुम बताओ। हम भी बढ़िया अच्छे रे। तो आपका असली नाम क्या है? दीपू है कि दीपक है कि दिनेश कुमार है? दिनेश कहाँ से आ गया भैया, हमारा नाम दीपक है। अच्छा, और हम अभी कलर अलग कर रहे हैं तारपिन में से। कल आपने जो फेस पैक किया था चेहरे पे, तो आप कुछ फर्क पड़ा इस चीज का? पड़ा कुछ? आप तो वैसे हमको थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट लग रहे हो। तो आप लोग देख सकते हैं दीपू बचरा है, कुछ बचरा है कुछ चीज बोले से। तो दोस्तों इस वाली वाल को भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये मुख्य वाल है इस पूरी वाल की, जो मतलब लंबी दीवार है इसका, जो सबसे मुख्य पार्ट है ये वाला है। तो यहाँ पे बना रहा है दीपू, आप लोग देख सकते हो दीपू को यहाँ पे बना रहा है अभी एकदम। यहाँ पे थोड़ा सिलन वाली जगह भी है, हालांकि ये पेंटिंग यहाँ पे इनेमल से बनता है, जिसको हम पेंट बोलते हैं, जिसपे तारपीन पड़ता है इनेमल वाला, उससे ये पेंटिंग बन रहा है। तो आप लोग देख सकते हो बगल में नाला भी है, और इससे पहले भी दोस्तों यहाँ पेंटिंग हो रखी है पहले, आप लोग देख सकते हो। ये पेंटिंग भी काफ़ी अच्छी है, और इसमें बुरांस के फूल और झरने और यहाँ पे पेड़ पौधे दिखाए गए हैं। बारिश के टाइम पे यहाँ पे पानी काफ़ी आता है, तो आप लोग ये भी देख सकते हो। और साथ में ही दोस्तों यहाँ पे हल्की फुल्की पार्किंग टाइप का भी है, और दीपू ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। दीपू भी आप प्रोफेशनल आर्टिस्टों में आ गया है, वो भी एकदम ब्रश से स्केचिंग करने लग गया है यहाँ पे। यहाँ पे आयान भाई भी आप लोग देख सकते हो छोलिया बना रहे हैं। यह वाली पेंटिंग भी आप लोग देख सकते हो कंप्लीट होने वाली है पूरी, और इसमें ढोल और नगारे बना रखे हैं, और कपड़े आप लोग देख सकते हो एकदम यहाँ पे 3D स्टाइल में बन रखे हैं। और साथ में दोस्तों और डिजाइनिंग वाली तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों अगर बात करें इस वाली पेंटिंग की, तो ये वाली पेंटिंग भी यहाँ पे पूरी हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हो इसमें जैसे हमने देवताओं के साथ झंडियों के साथ कपड़े लटकाए रहते हैं, और हमारा वाद्य यंत्र जो है ढोल और डमो, इसको हम गढ़वाली में हमारे क्षेत्र में इधर उत्तरकाशी साइड नगारा बोलते हैं, और कुमावारी क्षेत्र में इसमें इसको दमो बोलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो वाली पेंटिंग भी यहाँ पर अमन ने कम्प्लीट कर दी है, और शायद ये लाल रंग का डब्बा भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है पूरा, और अभी शायद इधर साइड भी पूरा पेंटिंग बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो ये पहाड़ी घर यहाँ पे, ये वाला दीपू ने बनाया है, और इसमें जो बैकग्राउंड और इसमें जो पहाड़ बना रहे हैं ये आयान भाई बना रहे हैं। तो काफ़ी शानदार घर हम इसे कह सकते हैं। और इस दीवार में दोस्तों पानी बहुत है, इसमें आप लोग देख सकते हो, अगर थोड़ा हल्का आप लोगों को दिख रहा हो तो पानी के बूंदे भी इस पे है, और इस पे काफ़ी सीलन है, इसलिए इस पे पेंट वाले कलर से बना रहे हैं। और सामने आप लोग कामनी को भी देख सकते हो, कामनी भी यहाँ पे बना रही है पेंटिंग, बैकग्राउंड नहीं यार वो बना रही है, वो चित्रकारी कर रही है।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकती है, लड़कियाँ भी किसी से कम नहीं है यहाँ पे पेंटिंग के मामले में। हेलो कामनी, बनाओ बनाओ आप। और यहाँ पे छोलिया नृत्य और ये वाला हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और आज हमारी ये वाली वाल भी कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही हमारे आर्टिस्ट यहाँ पे कुछ लोग आराम कर रहे हैं। जैसे आप लोग अमन को देख सकते हैं, अमन नरेंद्र नगर का नज़ारा देख रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन नरेंद्र नगर टीरे गढ़वाल इसी रोड पे है, और नंदा गेस्ट हाउस जहाँ हम रहते हैं वो भी इसी वाली वाल पे है। तो दोस्तों ये घर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बोलें। तो दोस्तों आप लोग इन ग्रिलों को भी देख सकते हो, ये ग्रिल भी हमारे आर्टिस्ट लोगों ने कर रखे हैं। और आप लोग देख सकते हो ये ग्रिल करे हैं कामनी ने। आज कामनी का दिन भर का काम यही था, अंदर से और बाहर से ग्रिल भी आज ही हुए हैं। और जो नंदी है दोस्तों वो आपने कल के ब्लॉग में भी देखा, क्योंकि ये नंदी पे हमने कल कलर कर दिया था। और आज आप लोग देख सकते हो मार्केट में काफ़ी भीड़ है, क्योंकि अब मुश्किल से 3 या 4 दिन बाद मेला स्टार्ट होने वाला है। तो काफ़ी चकाचौंध भरा माहौल मार्केट में हो चुका है। और अभी जा रहे हैं दोस्तों मार्केट में एक चक्कर घूमने।